जब भी हम लोग इंडिया में व्लॉगिंग की बात करते हैं ना, तो एक नाम ज़रूर उठ के आता है, मुंबई का निखिल। और आए भी क्यों ना, मुंबई का निखिल ने ही इंडिया में व्लॉगिंग शुरू किया था। मैं पर्सनली मुंबई का निखिल को 2017 से देख रहा हूँ, एंड मानो या ना मानो, आज वो ना होते तो शायद मैं भी यूट्यूब पे ना होता। सो वेलकम टू द 10th एपिसोड ऑफ इनसाइड द माइंड, एंड टुडे वी विल डिग इनटू निखिल्स चैनल टू फाइंड आउट हाउ ही मैनेज टू गेट अराउंड 3.4 मिलियन सब्सक्राइबर्स एंड अराउंड 886 मिलियन व्यूज। सो चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सो मानो या ना मानो, मुंबई का निखिल ने इंडिया में मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट किया था, और यही सबसे बड़ा रीजन है उसके सक्सेस के पीछे। आई मीन, जब उसने व्लॉगिंग स्टार्ट किया था, आई डोंट थिंक कोई भी कर रहा था ये सब, और अगर कर भी रहा था, आई डोंट थिंक कोई इतने अच्छे से एग्जीक्यूट कर रहा था। सो उसके बाद वो मोटो व्लॉगिंग के साथ साथ लाइफस्टाइल व्लॉगिंग भी करने लगा, और यहाँ से ही जो ऑडियंस था उसका, वो और भी ज़्यादा बढ़ गई। एंड या, आज मुंबई का निखिल एक मोटो व्लॉगर के साथ साथ एक लाइफस्टाइल व्लॉगर भी है। हाँ, अभी भी दोनों टाइप के कंटेंट आते हैं, बट ज़्यादातर लाइफस्टाइल व्लॉग्स ही आते हैं। बट ये उतना आसान नहीं था जितना आपको सुनने में लग रहा है। जब उसने लाइफस्टाइल व्लॉग्स बनाना शुरू किए थे, तब उसके व्यूज बहुत ही ज़्यादा गिर गए थे। हेट भी आ रहा था, बट स्टिल उसने बंद नहीं किया बनाना। 2017 तक उसने अपना कंटेंट बहुत चेंज कर लिया था, तो उसके बाद ऑडियंस ने फाइनली एक्सेप्ट कर लिया, एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। पर्सनली मैंने मुंबई का निखिल को मनाली वाले वीडियो से ढूंढा था, एंड उसके बाद आई वॉज एडिक्टेड टू हिज व्लॉग्स। लाइक इतना एडिक्ट हो गया था कि 2017 से 2020 के जून तक मैंने एक भी वीडियो मिस नहीं किया। और यही शायद एक खास बात है मुंबई का निखिल की, कि वो जानता है ऑडियंस को पकड़ के रखना कैसे, इसलिए ऑडियंस रिटेंशन इनके वीडियोज की बहुत हाई होती है। ऊपर से ही इज कंसिस्टेंट विथ हिज अपलोड्स। एमएन ने एक इंटरव्यू में भी कहा था कि उनका मेन स्ट्रेटजी कंसिस्टेंसी ही है। मुझे आज भी याद है जब एमएन ने पहली बार 30 दिन तक डेली व्लॉगिंग करने का फैसला किया था, तब उसके व्यूज ऑलमोस्ट डबल हो गए थे। तो या, अगर आप सक्सेस हासिल करना चाहते हो अभी यूट्यूब में, तो आपको कंसिस्टेंट जरूर होना पड़ेगा। इस वाले टॉपिक से तो ऑलमोस्ट आप सभी लोग एग्री करोगे कि मुंबई का निखिल का व्लॉग सिर्फ हम लोग निखिल को ही देखने नहीं जाते। हम निखिल को देखने के साथ साथ ये भी देखने जाते हैं कि वसीम भाई क्या कर रहे हैं, शोभित भाई क्या कर रहे हैं, शैनिस मैम क्या कर रही है, जिशन भाई ने रजनीगंधा खाना बंद। वेल, आई होप आप समझ चुके हो कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ही क्रिएटेड अ फैमिली ऑफ कैरेक्टर्स थ्रू हिज वीडियोज, और आप लोग कितना सपोर्ट देते हो इनके दोस्तों को, वो तो इनके फॉलोअर्स देखने से ही पता लग जाता है। सो बहुत टाइम पे क्या होता है ना, अगर कोई क्रिएटर अकेला होता है तो क्रिएटिव ब्लॉक आ जाता है कभी कभी। बट अगर आप अपने दोस्तों के साथ ही रह रहे हो हर समय, तो वो चांस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। एंड आई डोंट थिंक ऐसे दोस्तों के लेके अभी कोई भी व्लॉग कर रहा है इंडिया में डेली। तो फिर से यहाँ पर मुंबई का निखिल का चैनल स्टैंड आउट करता है। अगर निखिल भाई के पर्सनैलिटी में मुझे कोई अच्छी चीज़ लगती है, तो वो है उनका पॉजिटिव एंड ऑनेस्ट एटीट्यूड। या, आपको ये मानना ही पड़ेगा कि एटलीस्ट वो कैमरा में कभी झूठ नहीं बोलता। आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम पास में जब भी उसके अगेंस्ट किसी ने आवाज़ उठाई है, उसने हर बार ऑनेस्टली रिप्लाई दिया है। वेल, मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। एमएन ने बहुत बार अपने फैंस के साथ रूडली बिहेव किया है, एंड उसके बाद एमएन ने अपने व्लॉग में सॉरी भी बोला है, एंड उसके बाद एक्सेप्ट भी किया है कि उनको एंगर इश्यूज़ है, एंड वो उसको कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। फिर एक बार एयरपोर्ट के बाहर किसी फैन ने चॉकलेट्स ऑफर किए थे एमएन को, तो फर्स्टली तो उन्होंने मना कर दिया था, एंड उसके बाद अपने व्लॉग में सॉरी भी बोला। फिर बहुत लोगों ने बोला कि वो अपने वीडियोज़ में फोर्स्ड पॉजिटिविटी दिखाते हैं, बट 2017 या 2018 में उन्होंने बता के रखा था कि वो अपने वीडियोज़ में अभी सिर्फ पॉजिटिव चीज़ ही दिखाएंगे अब से, क्योंकि एमएन को लगता है कि ऑडियंस के लाइफ में पहले से ही बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, एंड वो एमएन का वीडियो देखते हैं अपना माइंड रिफ्रेश करने के लिए। तो यहाँ भी अगर नेगेटिव चीज़ें देखेंगे तो वो तो कुछ ना कुछ दिक्कत आ सकती है। फिर जब तेरा भाई मुंबईकर वाला सॉन्ग रिलीज़ हुआ, एमएन को बहुत हेट मिला, एंड एक्सेप्टेड कि इस बार उतना अच्छा नहीं हुआ है, तो ही विल ट्राई एंड इम्प्रूव इन फ्यूचर। एंड या, उसने करके दिखाया है। आप तेरा भाई मुंबईकर का वीडियो देख लो, एंड तू आ जाना का वीडियो देख लो, आप खुद डिफरेंस समझ जाओगे। फिर एक बार जूम के चैनल पर एक इंटरव्यू आया था, उसमें गौरव सर को निखिल भैया ने उनके सरनेम से पुकार रहे थे वो, तो बहुत लोग ऑफेंड हो गए। फिर निखिल भाई ने सब क्लियर कर दिया। अब ऑडियंस ना मेनली किसी व्लॉगर के पर्सनालिटी से अट्रैक्ट होती है, एंड आई थिंक मुंबई का निखिल के पास कुछ तो ऐसा जादू है जिससे वो लाखों लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है। आई मीन, कितने बंदों को निखिल ने इंस्पायर किया होगा। इवन मेरा भी इंस्पिरेशन मुंबई का निखिल है। आज मैं वीडियोस बना रहा हूँ तो उसके पीछे कहीं ना कहीं एमएन का ही हाथ है। और अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ, वो मैं एज अ नॉर्मल ऑडियंस बताने जा रहा हूँ। सो आपको याद ही होगा कि वीडियो के शुरू में मैंने कहा कि 2020 के जून तक मैंने एक भी वीडियो मिस नहीं किया। तो आप लोगों को लगा होगा कि उसके बाद क्या हुआ, मैंने वीडियोस मिस करना क्यों शुरू किया।
वेल, लॉकडाउन के बाद पता नहीं क्यों वो पुराने मुंबई का निखिल वाले वाइब्स नहीं आते, इसलिए मैं अभी व्लॉग्स पूरी तरीके से एंजॉय नहीं कर पाता हूँ। इसलिए मैं बीच बीच में बहुत सारे वीडियोस मिस किए एंड सिर्फ इंपॉर्टेंट वीडियोस ही देखता हूँ अब। आई थिंक व्लॉग में अब थोड़ा रिपीटेटिव कंटेंट आने लगा है, आई डोंट नो ऐसा क्यों हो रहा है, बट आई थिंक ये लॉकडाउन का इफेक्ट है। जब फिर से MN ट्रैवल करना शुरू कर देगा तब आई थिंक मैं फिर से एंजॉय कर पाऊंगा इनके व्लॉग्स। ऑल्सो मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करना। एनीवेज, पिछले हफ्ते YouTube मीट एंड ग्रीट में मैं मुंबई का निखिल से मिला एंड बात करके बहुत मज़ा आ गया एंड उसके बाद उन्होंने अपने स्टोरी में भी मेरे को मेंशन किया, तो हाँ वो मेरे लिए काफ़ी इमोशनल मोमेंट था क्योंकि अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो तो आपको पता ही होगा कि मैं कितना बड़ा फ़ैन हूँ मुंबई का निखिल का। तो हाँ, वीडियो इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब कुछ कर देना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और मेरे को इंस्टा ट्विटर फेसबुक हर जगह फॉलो कर देना। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। Can I be your superhero?